टेस्टी फूड पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ क्रीम चीज़ सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जो क्रीम चीज़ है हमने घर पे बनाया था, यानी ये होममेड क्रीम चीज़ है। इससे पहले मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसी होममेड क्रीम चीज़ से हम सैंडविच बनाएंगे। ये है हमने बनाया हुआ क्रीम चीज़ और चार ब्रेड के स्लाइसेस, कद्दूकस किया हुआ गाजर हमने 4 टेबलस्पून लिया है, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी, खीरा यानी कुकम्बर 1/2 कप, हरी शिमला मिर्च 1/2 कप और थोड़ी सी हरी धनिया, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ओरेगानो 1 टीस्पून, नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार और ये चीज़। आप चाहे तो मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम क्रीम चीज़ लेंगे और उसमें सारे वेजिटेबल्स मिक्स कर देंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, पोटैटो, टमाटर या पनीर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऑरेगानो मिलाना है, कुटी हुई काली मिर्च और नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमारा ये स्टफिंग जो है वो बनके एकदम तैयार है। अब हम ब्रेड के साइड जो है एजेस उसके कट करेंगे। इसके जो साइड्स है कट करने के बाद इसको फेंकना नहीं है, इसी का हम ब्रेड क्रम्ब बना के यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं साइड में रखूँगी और इसके जो ब्रेड के स्लाइसेस है वो बनके तैयार है। अब मैंने यहाँ पे 2 स्लाइसेस लिए हैं और उसी के ऊपर हम ये जो स्टफिंग है हमारा सैंडविच का वो मिलाएंगे। इच्छा के अनुसार आप स्टफिंग जो है वो इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे। और इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अब इसको हम कट करेंगे, जैसे भी आपको जो भी शेप पसंद है, ट्रायंगल या रेक्टेंगल। और कट करने के बाद ये हमारे सैंडविच जो है वो बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो इसको बटर के साथ तवे पे फ्राई करके भी एंजॉय कर सकते हैं और ये ऐसे भी खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, कोई भी किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या कोई भी आप जर्नी कर रहे हैं तो इसमें आप इसको बनाकर लेके जा सकते हैं। बहुत जल्दी बनता है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल बटन दिया है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।